नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। एक छोटी सी गलती और पकड़ा गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला कालीचरण। जी हां, महाराष्ट्र के अकोला का निवासी कालीचरण, जो कि खुद को कथित तौर पर एक संत कहता है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के विरुद्ध पिछले दिनों की गई एक अभद्र टिप्पणी के मामले में फरार था। रायपुर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी और अब इसे मध्य प्रदेश के खजुराहो के समीप ग्राम गढ़ा से पकड़ा गया है। कालीचरण को खजुराहो से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम गढ़ा के जिस आवास से पकड़ा गया है, वो दरअसल एक होम स्टे है और यहाँ मौजूद एक धार्मिक स्थल के श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, जहाँ ये कालीचरण रुका हुआ था। कालीचरण को सुबह 4 बजे पकड़ा गया, जब छत्तीसगढ़ पुलिस उसकी लोकेशन के आधार पर यहां पहुंची। एक मामूली गलती कालीचरण ने कर दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल रायपुर में आयोजित एक धर्म संसद के दौरान आपत्तिजनक बयानबाजी करने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उसके विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। FIR के बाद वह लगातार फरार चल रहा था और इसी पीरियड के दौरान वो मध्य प्रदेश में पर्यटन नगरी खजुराहो पहुंचा। खजुराहो पहुंचकर यहां के एक पल्लवी गेस्ट हाउस में उसने खुद के लिए कमरा बुक किया था और यहीं उसने अपना मोबाइल खोल लिया। सिर्फ एक बार मोबाइल का इस्तेमाल हुआ और रायपुर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, जो कि उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस पर रखा गया था, सर्विलांस पर रखा गया था, ये लोकेशन वहां तक पहुंची और फिर इसी लोकेशन के आधार पर रायपुर पुलिस ने उसे ग्राम गढ़ा से गिरफ्तार कर लिया। ग्राम गढ़ा में सुबह 4 बजे पुलिस की टीम पहुंची और यहां नींद में सब लोग जब मौजूद थे, तब कालीचरण को यहां से पकड़ लिया गया। इस वक्त की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर इसे अपने साथ छत्तीसगढ़ ले गई है। इस पूरे मामले में तमाम राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने संघीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। वो तमाम विषय हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता शिवेंद्र शुक्ला ग्राम गढ़ा पहुंचे हैं, जहां पर कालीचरण रुका हुआ था। वहां से वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उसे आज हिरासत में लिया गया है और वह कहां किस तरह से रुका हुआ था। खजुराहो से लगभग 25 किलोमीटर दूर यह है ग्राम गढ़ा, जहां पर राजनीति गरमाई हुई है। राजनीति सिर्फ एक प्रदेश की नहीं, बल्कि 2 प्रदेशों की, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। एक ओर जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये गलत काम किया, बिना उनकी पुलिस को विश्वास में लिए हुए सीधे यहां से कालीचरण नाम के कथावाचक को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आया है कि पुलिस ने बेहतर काम किया है और शाम 5 बजे तक हम उसे रायगढ़ लाकर और सीधे न्यायालय में पेश करेंगे। ये वो गेस्ट हाउस है, ये वो रूम है, 109 नंबर का रूम है, जहां पर जिसके नाम पर बुकिंग हुई थी कालीचरण की। बताया जा रहा है कि बीती रात यानी कि बुधवार को लगभग 10 बजे वो यहाँ पर आए हुए हैं। 10 बजे के बाद फिर इधर एंट्री कराई गई। चूँकि पूरे जो बड़े बाल थे वो कपड़े से ढके हुए और छिपाए हुए थे, इसलिए कोई इस तरीके से समझ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट हाउस है और लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते रहते हैं, रुकते हैं, इसलिए इतनी भी जानकारी देने के बाद वो दर्शन करने के लिए चले गए। सुबह यहाँ पर जो संचालक हैं उनको जानकारी मिली कि पुलिस आई है, तब जाकर फिर पता चले कि आखिरकार मामला क्या है। गेस्ट हाउस के संचालक हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? बागचंद। ये आज जब आप पुलिस आई होगी सुबह से और ये सब मामला हुआ, तब आपको क्या लगा कि क्या चल रहा है, आखिरकार हुआ क्या? तो कल मेरे पास पुलिस आई है 5 बजे, तो उसने बोला कि यहाँ कोई रुका है, ये नाम का फोटो दिखाया मैंने, कि नहीं साहब मेरे पास रुका नहीं, और यहाँ से ताला लगा है, वो धाम पे गया, वो मेरे पास आएगा तो चेक कर लेना बस। हाँ। यही बात बस। यानी कि वो रायपुर की पुलिस पहले आ गई थी? हाँ, तो फिर वो धाम में चली गई। हाँ। धाम के बाद वो 7 बजे आई फिर। और ये जिनको गिरफ्तार किया है कालीचरण, ये आपके यहाँ कितने बजे आए? वो आया 3 बजे सुबह, आज सुबह आए। नहीं, रुकने के लिए यहाँ कितने बजे आए? रात में 10 बजे
रात में परसों आया 10 बजे। अच्छा परसों आया ना, तो एक रात रोका है वो, फिर चला गया धाम पे सुबह कल। अच्छा कल सुबह 7 बजे निकल गया, फिर आया वो रात को 3 बजे। ठीक 3 बजे आग ही भरी थी, वहीं से वो पकड़ के ले गए। तो 2 दिन पहले यहाँ पर कालीचरण आए, और उसके बाद 1 दिन पहले यहाँ पर आए, और उसके बाद फिर अगले दिन जब 3 बजे वापस यहाँ पर गेस्ट हाउस में आए, तो उस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस यहाँ पर शाम को आ चुकी थी, यानी कि पुलिस के पास पहले से लोकेशन इस बात की थी कि वो यहीं कहीं आसपास में है। गौरतलब है कि खजुराहो के वैष्णवी जो होटल है वहाँ पर 27 तारीख को एंट्री थी कि यहाँ पर कालीचरण आए हैं, रुके हैं, यहाँ पर खाना भी खाया है। वहाँ का जो कर्मचारी है उसने इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पर रुकने के बाद खाना खाया और उसके बाद फिर चेकआउट भी कर लिया। इसके बाद फिर अगली लोकेशन यहाँ पर है गढ़ा गांव में, और यहाँ पर रुकने के बाद पुलिस पहले से यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने तत्काल 3 बजे के लगभग कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं, मैं बात करूँगा। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र, आप किस गांव के हैं? यहीं के हैं सर। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? इसमें ये जानकारी है कि यहाँ पे बताए अनुसार, विनीत के बताए अनुसार, यहाँ पे वो रात शाम को आए थे। शाम को आने के बाद उनने रूम बुक किया, रूम बुक करने के बाद वो वहाँ धाम पे चले गए मंदिर। मंदिर के बाद वो यहाँ पे 2-3 बजे के समथिंग आए रात में, और जो महाराज जी आए उसके पीछे पुलिस आ गई थी, तो पुलिस भी यहीं रुकी हुई थी। जैसे ही वो वहाँ से आए मंदिर से, और पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया और ले गए। हमारे साथ एक और गांव के शख्स मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? विनीत शिवहरे। विनीत, बताएं क्या कुछ अंदेशा था जब ये आपके यहाँ पर आए, और वेशभूषा से या कुछ इस तरह का कोई मामला समझ में आया? क्या हुआ का 10 बजे रात को भी आए थे हमारे पास रुकने के लिए, रूम दिया, हमने रुके रात रुकने पर। कौन सा नंबर का रूम? 109 नंबर था और 112 नंबर था। अच्छा, कितने लोग थे साथ? 4 लोग थे जी। अच्छा, तो 2 लोग यहीं हैं, 2 लोग को ले गई थी पुलिस। अच्छा अच्छा, तो रात भर रखे और इसके बाद सुबह नहा धो के धाम पर चले गए। फिर रात में 2 बजे आए, पुलिस हमारे पास 4 बजे शाम से आ चुकी थी, तो वो पहले हमसे मिली नहीं, लोकेशन लेती रही, घूमती रही। इसके बाद शाम को 6 बजे लगाया फोन उन्होंने हमारे पास, भैया रूम मिल जाएगा? हमने, यहाँ मिल जाएगा। कितना लोग? हमने 300 रुपये मिलेंगे। तो पुलिस वालों ने रूम लिया, बाजू वाला, उन्होंने पूछा भाई आपके यहाँ कौन कौन व्यक्ति रुका हुआ है? तो हमने समझा का जो व्यक्ति गेस्ट बाहर का आया था उसको पूछने से कोई मतलब नहीं निकलता, जो व्यक्ति बार बार पूछ रहा था आपके यहाँ कौन कौन रुका, तो मैं समझा कोई अधिकारी है। फिर पाछू में खोजे थे पिस्टौल, तो मैं समझा जी पुलिस वाले हैं। तो वे रात भर रहे, और हमने बोले कब तक आएंगे जी लोग? हमने कि यहाँ पता नहीं, दरबार लगा हुआ है, 2 बजे रात तक दरबार चलता रहा। तो जैसे ही वे आए वो दरबार से आए लौट के, बस उन्होंने देखा का महाराज जी को वे भी नहीं पहचान पाए पुलिस वाले। उन्होंने कहा टोपा खोलिए, मास्क खोलिए, तो मास्क खोला, टोपा खोला, तो बार यहाँ तक आ चुके। तो बस उन्होंने बोला का महाराज जी आप चलिए, और अब मेरी भी ड्यूटी है, समझिए आप लोग। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है कि पुलिस रेकी करते हुए उनके पीछे लगी हुई थी, और जब उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखा कि जहाँ से इत्मीनान से पकड़ा जा सकता है, तो वहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। इस मामले में बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि छतरपुर पुलिस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और अब जबकि जिस तरीके से सूरज की गर्मी तेज़ होती जा रही है, उसी तरीके से राजनीति में भी गर्मी आ गई है, भूचाल आ गया है। भोपाल के लेवल से बात करें, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा बयान जारी किया गया कि यह गलत कदम उठाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पुलिस ने बेहतर काम किया है, और हम शाम को 5 बजे रायपुर में न्यायालय में पेश करेंगे, और उसके बाद उन्हें जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गौरतलब है कि रायपुर में एक धर्म संसद हुई थी रविवार को, वहाँ पर महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर कालीचरण द्वारा ये एक बयान दिया गया था, जो कि काफ़ी विवाद हुआ, और उसके बाद वहीं छत्तीसगढ़ में एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद से पुलिस लगातार तलाश में थी। शिवेंद्र शुक्ला, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। बाबा कालीचरण के गिरफ्तार होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने संघीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, क्योंकि छतरपुर पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी। गृहमंत्री ने इस बारे में न सिर्फ आपत्ति ली, बल्कि कहा कि मध्य प्रदेश के डीजीपी छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात भी कर रहे हैं। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के,
यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। इस मामले की पुष्टि छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने भी की है। उन्होंने पत्रकारों को इस पूरे घटना की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने किसी भी तरह की सूचना छतरपुर पुलिस को नहीं दी थी। छत्तीसगढ़ पुलिस के रायपुर जिले के थाना टिकरीपुरा में एक अपराध कायम था, जिसकी विवेचना में जो रायपुर पुलिस है वो छतरपुर के खजुराहो आई थी। इसमें अभी तक की जानकारी यही है कि इसमें जो अभियुक्त थे उनको राउंडअप छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है और सीधे ही उनको वहां ले जाया गया है, क्योंकि जो समय है 10-12 घंटे का ही है, तो उनको आज ही न्यायालय शायद प्रस्तुत किया जाएगा। छतरपुर पुलिस को जानकारी दे पाई थी इस तरह की पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई जी? इसमें जो सामान्य सूचना होती है जो दी जाती है वो इसमें नहीं दी गई थी, पर ये 10-12 घंटे के अंदर शायद पेश कर देंगे, तो जो भी इसमें विधि सम्मत होगा वो आगे की कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अपेक्षित है। गिरफ्तारी नियम का उल्लंघन किया गया इसमें ये कहना अभी सही नहीं है, ये न्यायालय का मुद्दा है कि गिरफ्तारी या फिर कोई टेक्निकल अगर इसमें गलती हुई है तो न्यायालय ही इसमें कुछ कह पाएगा। बहरहाल हमने उससे भी बात की जिस होम स्टे में ये रुका हुआ था, और उस होम स्टे के संचालक को पुलिस ने कुछ देर के लिए पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में जानकारी लेने के बाद छोड़ दिया। संचालक के बेटे ने बताया कि किस तरह कालीचरण यहाँ पहुंचा था और रुका हुआ था। अच्छा, कितने कब रुके थे, कब आए थे कालीचरण जी? परसों रात में आए थे 11 बजे। अच्छा, फिर कब तक रुके रहे? सुबह निकल गए, फिर सुबह कल पुलिस आ गई थी तो वो लुवा गए। कितने बजे ले गई पुलिस? कल आज रात में ले गई 2 बजे। अच्छा, कितने लोग थे उनके साथ कालीचरण जी के? 4 लोग। सभी लोग को पकड़ के ले गई? एक दो लोग को ले गई, 2 लोग को छोड़ गई। पुलिस की टीमें कितनी आई हुई थी, कहाँ से आई थी पुलिस? रायसेन से बता रही। रायपुर। आप क्या देखते हो यहाँ पे? आपका नाम क्या है? शंकर सिंह। क्या देखते हो यहाँ पे? सर अपना ही है ना मकान। आपका है? प्राइवेट लॉज है जी। तो इस तरीके से बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ पुलिस उसे मध्य प्रदेश के खजुराहो के समीप मौजूद ग्राम गढ़ा से अपने साथ ले गई है। मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए बाबा कालीचरण पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, राजद्रोह जैसी धाराओं पर भी मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसके पहले उनके विरुद्ध धारा 294 और 505(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि गृह मंत्री की आपत्ति ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग महात्मा गांधी की स्तुति जो कभी कभी करते हैं वो एक आडंबर है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बधाई कि उन्होंने मध्य प्रदेश में आके खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे के बारे में कहा था कि उसको प्रणाम, उसे ठीक किया, लेकिन साथियों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को मध्य प्रदेश की पुलिस से पूछना था या कालीचरण को नोटिस देना दे के बुलाना था। अरे जो एक अपराधी है जिसने राष्ट्रपिता के बारे में ये कहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए, और जिस तरह का वक्तव्य गृह मंत्री जी का है उससे ये प्रतिपादित होता है कि जो महात्मा गांधी की कभी कभी स्तुति करती है भारतीय जनता पार्टी, ये केवल आडंबर है और ये बड़ा और महात्मा गांधी की हत्या के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत दुर्भाग्य। तो कुल मिलाकर बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी हो चुकी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे खबर पर लगातार क्या अपडेट है हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
छतरपुर के पन्ना रोड पर एक भव्य और सर्व सुविधा युक्त आवास किराए के लिए उपलब्ध है। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस भव्य इमारत को तलाश है अच्छे किराएदारों की, यानी बैंक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के लिए संपर्क करें। पन्ना नाके पर डॉक्टर सुनील शर्मा क्लिनिक से महज 15 सेकेंड की दूरी पर स्थित है ये भव्य सुविधाजनक बिल्डिंग। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस बिल्डिंग में 10,000 स्क्वायर फीट की विशाल पार्किंग मौजूद है। बिल्डिंग में मौजूद है एक विशाल बेसमेंट जिसकी साइज है 4,200 स्क्वायर फीट। इसमें दो स्टोर और एक कॉमन टॉयलेट मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है 8 बड़े कमरे जिनकी साइज है 500 स्क्वायर फीट, एक बड़ा हॉल 680 स्क्वायर फीट का, कॉमन टॉयलेट्स गर्ल्स और बॉयज के लिए, साथ ही दो स्टोर रूम। फर्स्ट फ्लोर में मौजूद हैं 500 स्क्वायर फीट के 6 विशाल कमरे, 680 स्क्वायर फीट का एक विशाल हॉल, 920 स्क्वायर फीट का एक और बड़ा हॉल, इसके साथ ही गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग टॉयलेट्स और दो स्टोर रूम। भवन की अन्य सुविधाएं अग्निशामक यंत्र जिसमें स्प्रिंकलर और वाटर डोज उपलब्ध है। सभी कमरों में एसी के पॉइंट, 24 घंटे स्वच्छ हवा और पानी, सभी फ्लोर में कॉमन लेटरिन बाथरूम उपलब्ध, हॉल के साथ स्टोर उपलब्ध, सब मीटर की फैसिलिटी, दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए विशाल पार्किंग, साफ स्वच्छ और हवादार कमरे, बेसमेंट एरिया, आकस्मिक निकास एरिया सभी फ्लोर पर उपलब्ध, लिफ्ट एरिया, सभी कमरों में 4 फीट वॉल एवं फ्लोर टाइल वर्क्स, 8 फीट चौड़ी गैलरी, एक ऑफिस, स्टाफ रूम, कैंटीन, अतिरिक्त वाटर टैंक, बाउंड्री के चारों ओर आकर्षक पेड़ पौधे, भवन के तीन साइड से 25x20 का रोड, पार्किंग में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट। तो इस सुविधाजनक बिल्डिंग को किराए से हासिल करने के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर।